क्या क्या विकास देखी तब से जब से मंदिर बन गए? देखने को नई नई रोडें बन गई, अच्छी सी लाइटें लग गई हैं और साफ सफाई का भी बहुत वो है। एक बार नाम फिर से बता दो। तुबा जमीर। ये कि अखिलेश यादव को न्योता भेजा गया, पूर्व सीएम है जी। वो न्योता को ठुकरा देते हैं, अयोध्या नहीं आ रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे प्रांजलि यादव, क्या कहेंगे उनके बारे में? तो मैं कुछ कह तो नहीं सकती हूँ, बट अब यादव कुछ तो बोलिए ना। कुछ राम मंदिर बन रहा है, राम तो ऐसा है नहीं कि वो किसी धर्म से हैं, मजहब से हैं, वो तो सर्व समाज की बात है, धर्म की बात है, सनातन की बात है जी, जी। तो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो प्रांजलि क्या कहेंगे अयोध्या से? अखिलेश यादव जी नहीं आ रहे हैं तो हाँ। अब उनका मोटिव कुछ और होगा, कुछ और समझ के नहीं आ रहे होंगे, मुझे पता तो है नहीं उनके बारे में भाई। आना चाहिए कि नहीं आना? आना तो चाहिए, राम मंदिर बन रहा है अच्छा खासा, सब लोग आ रहे हैं, योगी मोदी जी भी आ रहे हैं तो अच्छा तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम अयोध्या में हैं और आपको बता दें कि अयोध्या साकेत गेट पर हैं। ऐसे में आपको बता दें कि देश विदेश से यहां पर साधु संत महात्मा लोग आ रहे हैं राम भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कुछ बच्चियाँ हैं हमारे साथ जो पढ़ने वाली हैं, इनके अंदर राम मंदिर को लेकर कैसा उत्साह है और क्या माहौल है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा बीए फिफ्थ सेमेस्टर। अच्छा, बीए फिफ्थ सेमेस्टर है। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? हम लोग का एग्जाम है 3 बजे से। अच्छा, 3 बजे से एग्जाम है। कहाँ की रहने वाली हैं आप, अयोध्या से हैं या अयोध्या के बाहर से? नहीं, मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। अयोध्या की रहने वाली है। राम मंदिर को लेकर घर में क्या माहौल है और अयोध्या कैसी लग रही है इस समय, लोगों का जो आगमन हो रहा है? अयोध्या मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सब लोग खुश हैं और अयोध्या को देख के अच्छा लग रहा है कि अयोध्या का विकास हो रहा है। और आगे क्या होगा? आगे क्या बोलेंगे? बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिया पांडे है। आप क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, पढ़ाई कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? क्या मैं बीए कर रही हूँ, मेरा बीए थर्ड ईयर है। अच्छा, बीए थर्ड ईयर। यस। कैसा लग रहा है राम मंदिर को लेकर? राम मंदिर को लेकर भारतवासी जो हमारे हैं, भारत के लोग हैं और जो भी बाहर से आ रहे हैं लोग और जो भी अयोध्या वासी हैं, उन लोग में बहुत उत्साह है राम मंदिर को लेकर। और 22 जनवरी को, जैसा कि हम सब जानते हैं, 22 जनवरी को एक हमारे लिए बहुत अच्छा शुभ अवसर है। हम सभी भारतवासी मतलब जो राम मंदिर को लेकर एक उत्साह जागृत होते हैं। जैसे कि जानते हैं कि जो राम जी की प्रतिमा है वो बहुत वर्षों के बाद एक भव्य रूप में हमें देखने को फिर से मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? तुबा जमीर। तुबा जमीर। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम तो अयोध्या के हैं। अयोध्या के ही रहने वाले हैं जी। राम मंदिर को लेकर क्या माहौल है अयोध्या में, अयोध्या कैसा लग रहा है, यहाँ का विकास आपको देखकर कैसा लग रहा है? अयोध्या का जो विकास बहुत अच्छा दिख रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब लोग आ रहे हैं, कैसा कैसा यहाँ माहौल बना हुआ है? बहुत ही अच्छा, आप जैसा देख सकते हैं आप लोग खुद ही अच्छा है। अच्छा, राम मंदिर बनने से अयोध्या का विकास आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? आप युवा हैं, पढ़ाई करती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? बीए थर्ड ईयर। अच्छा, बीए थर्ड ईयर में जी। बीए थर्ड ईयर में कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या क्या विकास देखी तब से जब से मंदिर बन गए? देखने को नई नई रोडें बन गई, अच्छी सी लाइटें लग गई हैं और साफ सफाई का भी बहुत वो है। एक बार नाम फिर से बता दो। तुबा जमीर। तो आप ये देख सकते हैं, और कुछ बहने हैं, हम उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या नाम है? प्रियांशली यादव। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग वोटर हो गए हैं, वोट देती हैं कि नहीं देती? अभी नहीं देती हैं। अभी नहीं देती जी? नहीं, 18 साल पूरा नहीं हुआ। हो गया है, देती नहीं है अभी। अच्छा, मना नहीं है जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर प्रांजलि यादव आप है ना जी, जी। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव को न्योता भेजा गया, पूर्व सीएम है जी। वो न्योता को ठुकरा देते हैं, अयोध्या नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रांजलि यादव, क्या कहेंगे उनके बारे में? तो मैं कुछ कह तो नहीं सकती हूँ, बट अब यादव कुछ तो बोलिए ना। कुछ राम मंदिर बन रहा है, राम तो ऐसा है नहीं कि वो किसी धर्म से हैं, मजहब से हैं, वो तो सर्व समाज की बात है, धर्म की बात है, सनातन की बात है जी, जी। तो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो प्रांजलि क्या कहेंगे अयोध्या से? अखिलेश यादव जी नहीं आ रहे हैं तो हाँ। अब उनका मोटिव कुछ और होगा, कुछ और समझ के नहीं आ रहे होंगे, मुझे पता तो है नहीं उनके बारे में भाई। आना चाहिए कि नहीं आना? आना तो चाहिए, राम मंदिर बन रहा है अच्छा खासा, सब लोग आ रहे हैं, योगी मोदी जी भी आ रहे हैं तो अच्छा तो है। और उनके
अब उनके बारे अच्छा, में एक बात बताइए, आप लोग युवा हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ पर राजनीति होना चाहिए या नहीं होना नहीं चाहिए? वहाँ राजनीति नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ राजनीति एक साइड हटा के यहाँ पे राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पर खून की नदियाँ बह गई, कई कार्य सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई, लेकिन आज वो सारे सपने पूरा हुआ। खास करके अच्छा, आपके गाँव में और आपके तरफ क्या माहौल बना हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है, बना हुआ है, बहुत योगी जी ने बहुत कुछ बनवाया हुआ है जी, और राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। अयोध्या में आपकी अयोध्या में क्या, क्या अंतर है? बहुत कुछ अंतर है, बहुत कुछ बन रहा है जी। अच्छा जी बिल्कुल। 2024 में क्या माहौल होगा, मोदी जी और जो विपक्ष में चुनाव होगा उसमें क्या माहौल होगा? विपक्ष में जो चुनाव होगा तो उन्हीं लोग जाने, मुझे इतना आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। युवा क्या सोचता है? युवा जो सोचते जो अच्छा करेगा उसे वोट मिलेगा जी। और विद्यालय में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है? जी बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, चलिए और एक बहन जी हम ठीक है इनसे भी जानने, क्या नाम हो आपका? हम बारू पांडे। पांडे, क्या नाम? बारू पांडे। अच्छा अच्छा, राम मंदिर को लेकर कैसा लग रहा है, क्या माहौल बना हुआ है? तो राम मंदिर को लेके बहुत मतलब एक अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि सबको होता है तो वही चीज़ अच्छा फील हो रहा है। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? बीए तीसरा साल पांचवा सेमेस्टर। बीए तीसरा साल पांचवा सेमेस्टर। अच्छा अच्छा, पांचवा सेमेस्टर, थर्ड ईयर में आप हैं। वो वोटर हो गए हैं कि नहीं? वोटर हाँ, 80+। नहीं मतलब अभी तक तो नहीं दिए हैं, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड जो है वो चीज़ अभी बना नहीं है, तो इसलिए तो अभी राम मंदिर का जो भव्य स्वरूप आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर देश विदेश के लोग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, पहले मतलब जो पहले जनसंख्या थी तो उसके अकॉर्डिंग अभी जितने लोग रह रहे थे यहाँ पे, उससे ज़्यादा लोग मतलब यहाँ पे आए हैं, और फिर मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब कि अच्छा फील हो रहा है, ठीक ठाक फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, थोड़ा से बारी बारी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ये बच्चे हैं, भाग रहे हैं, वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं सवालों में हम फंस ना जाए, तो आप ये देख सकते हैं अभी हम लोग अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के गेट के सामने हैं, और ख़ास करके अयोध्या मंदिर को लेकर बच्चों में क्या उत्साह है, अयोध्या में क्या कुछ परिवर्तित हो गया है, और कितना दिव्य और कितना अलौकिक, कितना सौंदर्य रूप हो गया है अयोध्या के, ये सारे तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के कुछ बच्चियों से। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।